हेलो स्टूडेंट्स। सो इंटीग्रेशन में कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज के रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर छः फॉर्मूलाज दिए गए हैं और यहाँ पर जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यू नो वी कैन नॉट टेक द चांस। तो यहाँ पर सिक्स फॉर्मूला को अप्लाई करके आप कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन जो ये फॉर्मेट में फिट होते हैं उसका आंसर दे सकते हो। सो यहाँ पर वी हैव एक्सरसाइज 13.8। तो यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन आगे ये बी स्क्वायर आपको परेशान कर रहा है। तो बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल दो, तो 1/b² हो गया, ताकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह हो जाए। तो ये देखो, एक फॉर्मूला है रेडीमेड के, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो होता है 1/2a log a + x / a - x। तो जब आपने ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1/b² तो रहेगा, ये 1/(n)² - x², तो 1/2a (log)(n)+x) / (n)-x। तो ये फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया। तो ये एक्सरसाइज उसी के बेस पर है। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर के आगे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालो, तो 1/(x² - n)² तो ये उस वाले फॉर्मेट में हो गया। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी दे हैव ऑल्सो रिटन द फॉर्मूलाज। तो ईजी है एक्सरसाइज, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लगे। देखिए, अभी यहाँ पर एक नया टाइप का फॉर्मूला, तो 1/√ के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे अगेन 4 है, तो मुझे 4 नहीं चाहिए, तो मुझे 4 कॉमन निकालना पड़ेगा। रूट के अंदर का 4 कॉमन, यानी बाहर 2 कॉमन, तो यहाँ पर ये बाहर 2 आ गया। ओके, तो ये जो है फॉर्मेट क्या हो गया, 1/√(x²+n)²। तो 1/√(x²+n)², तो log ऑफ एक्स प्लस द सेम स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर वही होगा कि log x प्लस ये जो सेम स्क्वायर रूट था वही आ जाएगा। ओके, तो इस वजह से क्या है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया, ये एक्सरसाइज में इट इज़ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास। अच्छा, काफ़ी बार हो सकता है कि वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, तो टी फॉर्मेट को भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, 2 - x² + 1, तो 2 - x को t मान लो, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसका क्या है कन्वर्जन करोगे, तो ये हो जाएगा 1/√(t²+1)। ओके, तो देखो अब इसमें फर्क क्या हुआ कि अगर t के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो साइन में चेंज होगा। अगर आप डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो -x का ये -1 होगा। ओके, तो ऑन कन्वर्जन यू गेट माइनस साइन, बट एनीवे माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करो जो टी में है, फिर टी की जगह पर एक्स जो भी टर्म था वो आप पुट कर दो। अच्छा, देन वी हैव एक्सरसाइज 13.9। अब यहाँ पर देखो, नीचे पूरी इक्वेशन है, तो ये आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर के आगे 4 है, तो 4 कॉमन निकाल दो। अब क्या करो, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई नंबर प्लस और माइनस करो। जैसे 9/4 करने से ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ओके, तो 9/4 प्लस किया माइनस किया, तो ये वाला जो पहले तीन टर्म्स है, तो ये पहले तीन टर्म्स आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देंगे। वो किसका होगा, एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर। ओके, और फिर जो ये है वो नंबर 1 है, इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये करने से ये आपका फॉर्मेट हो गया 1/(x²-a²). तो ये वाला फर्स्ट फॉर्मेट हो गया, जो होता है 1/2a log x - a / x + a। तो 1/2a log x - a / x + a, तो फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर। तो ये वाले एक्सरसाइज में आप क्या है, जो एक्स स्क्वायर है बराबर, उसको आगे लेकर परफेक्ट स्क्वायर
बनाओगे जिसके लिए कुछ ऐड और लेस करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मेट मिलेगा, वन अपॉन एक्स प्लस और माइनस समथिंग। याद रखिए ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स प्लस और माइनस समथिंग यानी वो चल सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स की जगह पर एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर माइनस सम नंबर का स्क्वायर, सो दैट विल ऑल्सो डू। तो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज जो आपको क्या है प्रॉपरली लर्न करके अप्लाई करना है। अच्छा नाउ एक्सरसाइज 13.10 में देखो ई रेज टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स का कुछ टर्म्स है, तो इसको क्या है देखो ई का पावर 2x दिखा, यहाँ ई का पावर एक्स दिखा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स के फॉर्म जैसा है, तो इसको क्या है ई का पावर एक्स को आप टी मान लो, तो ये टी स्क्वायर प्लस 5t+6 होगा। और अब ये प्लस और माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो इस वजह से नंबर आया। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, वन अपॉन 2a log ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये हम क्या है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो e का पावर 3x और यहाँ पर है e का पावर 6x, तो देखो e का पावर 3x को आप अगर t मानोगे फिर आप डेरिवेटिव लोगे तो ये 3 × e का पावर 3x होगा और ये dt के बराबर है, तो आपका ये जो है बराबर देखो e का पावर 6x वो ऐसा हो सकता है e का पावर 3x का स्क्वायर, तो नीचे तो है वो t का स्क्वायर होगा और ऊपर वाला e का पावर 3x × dx कन्वर्ट हो गया dt/3 में, तो 3 बाहर रख दो dt तो रहेगा ऊपर, तो ये पूरा आपका एक कन्वर्ट हो गया, ये 4 को बाहर रख दो ताकि ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर की तरह मिल जाए, तो 1/12 बाहर, तो देखो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर, देन अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जन करना है, जैसे यहाँ पर देखो ऊपर एक्स टी एक्स है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला वाला हाईएस्ट पावर है ना वो एक्स का स्क्वायर हो तो चलेगा बराबर, तो हम क्या है एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको हाफ डी टी मिल जाएगी बराबर, और ये नीचे का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई नंबर प्लस और माइनस करेंगे, तो एक ब्रैकेट का स्क्वायर एंड ये कोई नंबर का स्क्वायर, तो इस वजह से ये फॉर्मेट हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड वी गॉट द आंसर। तो ये एक्सरसाइज इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर सेम कंसेप्ट है लेकिन ये रूट के अंदर वाला है, तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ रूट वाले भी दो फॉर्मूलास है, तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला 3 कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालने के बाद कोई नंबर प्लस और माइनस करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बना दो। अच्छा ये 25/36 ही कैसे आया, तो ये जजमेंट से पता चल जाएगा। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² ऐसा होता है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू थी बराबर, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 × x, तो पहला तो है एक्स बराबर, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है बराबर पहला नंबर एक्स है दूसरा नंबर पता नहीं है, दूसरा नंबर मान लेते हैं बी है, तो ये जो 5/3 है 5x/3 ये होना चाहिए 2ab, ओके। यानी 2 × पहला नंबर × दूसरा नंबर, पहला नंबर तो x है तो ये क्या हो गया दूसरा नंबर, तो
ये हमें पता चला कि भाई ये 2b की वैल्यू बराबर वो है 5/3। तो जब 2b है आपका 5/3 तो b कितना होगा, तो b हो जाएगा 5/6। तो इसका मतलब है कि b का स्क्वायर क्या होगा, तो b का स्क्वायर होगा 25/36। तो ये ऐड भी करना है और लेस भी करना है, सो ये देखो 25/36। फिर ये पहले जो तीन है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर देंगे किसका, तो एक्स प्लस 5/6 द होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेकर एक नंबर मिल जाएगा। तो रूट के अंदर ये फॉर्मेट आ गया एंड देन यू कैन गेट द आंसर, अप्लाई द फॉर्मूला। ये है ना 1 अपॉन, अगर प्लस साइन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स प्लस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक्स का पावर 4 है और ऊपर एक्स डी एक्स है, तो भी ट्यूबलाइट होनी चाहिए कि ये जो है एक्स का स्क्वायर हो, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ये मेथड से आगे भी जाएंगे फॉर्मूला से। तो इसको टी मान लो एक्स स्क्वायर को, ताकि एक्स डी एक्स की जगह पर हाफ डी टी हम लिख सके, और नीचे ये एक्स का पावर 4 टी का स्क्वायर हो जाएगा। इस नंबर का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये आराम से पावर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जो एक्सरसाइज हमने पहले छोड़ी थी बराबर, वो इसी रीज़न थे। तो अब यहाँ पर देखो ई का पावर 2x है और यहाँ पर है ई का पावर एक्स, तो ये बेसिकली ई का पावर एक्स का स्क्वायर है। तो नीचे तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो ई का पावर एक्स को आप अगर टी मान लो बराबर, तो e का पावर x dx ये पूरा का पूरा dt के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और नीचे ये t का स्क्वायर बन जाएगा। ओके तो अब नीचे आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है, जहां पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन वाले जो क्वेश्चंस है वो नहीं है सिलेबस में, तो वो आपको अवॉइड करने हैं। अच्छा नाउ देखो ये 13.3 एक्सरसाइज में अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में ये कुछ अलग अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं। अच्छा बट यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट इन्होंने अप्लाई किया है। तो देखो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव और नीचे हो फंक्शन, तो इसको हम लॉग ऑफ फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। तो शर्त क्या है, ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो। तो अब हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर ये कोई पर्टिकुलर टर्म में ये कंसेप्ट यूज़ किया है, देखते हैं वो कौन सा है। तो लॉग ऑफ फंक्शन, तो ये देखो बराबर नाउ ये वाला जो है, अब देखो ये इन्होंने सिंप्लीफाई कैसे किया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के अपॉन में ये टर्म है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। हाँ अब ये देखो ऊपर वाला जो टर्म है बराबर, जहाँ पर हमारे पास क्या था, सिर्फ एक्स था, तो अभी ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2x/2 यानी x प्लस 3/2, और बाजू में है -3/2, तो अल्टीमेटली ये x ही है। तो x को ऐसा इन्होंने लिखा है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये वाला है उसके नीचे भी ये आएगा, और -3/2 है उसके नीचे भी ये आएगा, यानी इसके दो टर्म हो गए। ओके अब ये दो टर्म करने का फ़ायदा क्या है, तो यहाँ पर नीचे आप देखो जब ये टर्म है इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 3x का क्या होगा 3, और 2 का होगा 0। यानी हम बोल सकते हैं कि ऊपर आपका dy/dx है डेरिवेटिव f डेस ऑफ x, और नीचे क्या है फंक्शन है। तो फिर हम ये वाले क्वेश्चन में ये
अप्लाई कर सकते हैं कि ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे है फंक्शन, तो होता है लॉग इनटू फंक्शन। तो ये देखो, ये यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है लॉग इनटू फंक्शन प्लस सी। अब आप सोचोगे कि सर ये पता कैसे चलेगा कि ये नंबर ही कैसे लेना है। तो अब यहाँ पर देखो कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या होता है 2x, और 3x के डेरिवेटिव में क्या होता है 3, और 2 के डेरिवेटिव में क्या होता है कुछ नहीं। तो इस पूरे का डेरिवेटिव में 2x प्लस 3 तो होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ भले x था, आप 2x प्लस 3 ज़बरदस्ती लिख दो। जब आप 2x प्लस 3 लिखोगे तो हमें पता है हमारे पास तो सिर्फ x था, तो आगे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली ये है आपने जो लिखा है x प्लस 3/2, तो -3/2 कर दो क्योंकि सिर्फ x ही था। तो इस वजह से क्या है कि हम ये x को इस वजह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला डेरिवेटिव, हाँ, पहला हाफ पार्ट मैंने बता दिया। अब ये जो दूसरा पार्ट है -3/2 अपॉन दिस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाकर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में क्या होता है 2x होता है, तो आप ज़बरदस्ती 2x लिख दो। ओके, एक्स के डेरिवेटिव में 1 होता है तो 1 तो लिख दो। अब 2x था जबकि हमारे पास x था, तो आगे हाफ करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है कि 2x/2 यानी x प्लस हाफ। अब आपने x प्लस हाफ लिखा है जबकि हमारे पास x प्लस 1 था, तो और हाफ ऐड करना पड़ेगा। अब ये करने से ये वाला टर्म के नीचे ये प्लस हाफ के नीचे ये, और जो ये वाला टर्म है वो ऊपर की तरह ही हो गया, कि ऊपर क्या है f डैश ऑफ x डेरिवेटिव, और नीचे क्या है फंक्शन है f ऑफ x। और जब ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f x, तो होता है लॉग ऑफ f x। तो ये देखिए, आपने इसको लिखा है लॉग ऑफ f x। अच्छा, ये वाला, इसको तो हम क्या है नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन वो वाले पैटर्न के थे, बराबर सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो ये भी क्या है, सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन से, जिसको आप क्या है अभी समझकर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी सेम देखो, 2x+5 और नीचे ये है, तो पहले तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर क्या है दूसरे वाले को बनाएंगे, और पहले वाले में वो वाली ट्रिक होगी, बराबर। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x होता है, यस। अच्छा, ये माइनस ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 2x-1 बराबर ये चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 था, जबकि आपको तो क्या है 2x-1 चाहिए, तो +6 करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यू चेंज ना हो। तो अब ये 2x-1 के नीचे ये लिख दो, और ये जो 6 है उसके नीचे ये हो जाएगा, दो टर्म हो गए। ये कैसे सॉल्व करना है, ऊपर डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन तो लॉग ऑफ फंक्शन, दूसरा वाला कैसे सॉल्व करना है नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो भी क्या है एटलीस्ट एग्जाम में पता चलेगा। अच्छा, तो अब देखो दूसरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब आप क्या है कि ऑब्जर्व करोगे, तो ये देखिए, इन्होंने क्या है कि जब आप ये एलसीएम लोगे, इसको स्प्लिट किया है बराबर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखो ये एक स्टेप इन्होंने कम किया है। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दो, ताकि नीचे भी वही है। जब आप ऐसा करोगे
तो हमारे पास तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस टू एक्स करना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस टू एक्स यानी प्लस एक्स प्लस वन, तो इस तीन को मैं चार टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये पहली वाली ये पहले दो टर्म है उसके नीचे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बाकी के दो टर्म है उसके नीचे भी मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ताकि ये हो जाए वन। तो ये देखो डायरेक्टली उन्होंने लिखा था ना वन, प्लस ये है टू एक्स प्लस वन के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अभी वन का इंटीग्रेशन एक्स, उसका तो टेंशन नहीं है, और हमारे पास जो टर्म मिला वो ये है टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब देखो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में टू एक्स आता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन होता है, तो आप वही लिखो, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्लस वन था तो आप प्लस टू करोगे, तो यू आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या होगा, ऊपर डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, ओके। एंड प्लस ये जो है वो आगे हमने सॉल्व किया था सेम उसी की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस वैल्यू, ओके। अच्छा इसमें एक एरर है कि देखो इंटीग्रेशन में ये है फंक्शन, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में टू एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो ये लॉग ऑफ फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उन्होंने बाय मिस्टेक ऊपर वाला एफ डैश एक्स लिख दिया है, जबकि लॉग ऑफ फंक्शन होना चाहिए। एनीवे तो आपको क्या है ये ट्रिक पता चली होगी, ओके। अच्छा से ही एक्सरसाइज 13.15 में एक्स के अपॉन में ये है। तो अब देखो यहाँ पर ऊपर एक्स है वो एक्चुअली में ना हो तो हम क्या है आगे बढ़ पाएंगे। तो अब देखिए आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ टू करो तो ऊपर क्या आ जाए टू एक्स। अब आप सोचोगे सर टू एक्स क्यों लाना है ज़बरदस्ती, तो देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है, तो इसलिए मैंने टू एक्स लाने की कोशिश की। छः एक्स का क्या होता है छः होता है, इसलिए मैंने छः लाने की कोशिश की, लेकिन फिर माइनस छः भी करना पड़ेगा वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप याद रखो कि वॉट अल्टीमेटली यू आर डूइंग, कि आप क्या है ये जो नीचे वाला टर्म है बराबर उसका डेरिवेटिव क्या है वो ऊपर ला रहे हो। तो जब आपने क्या है कि इस वे से किया तो ये हो जाएगा हाफ, और अब आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है यानी ये रूट के अंदर है, यानी इसका पावर क्या हो सकता है माइनस हाफ, और ये आपके पास था टू एक्स प्लस सिक्स, ओके। तो ये है टू एक्स प्लस सिक्स, और याद रखो इन्होंने एक स्टेप कम किया है, ये क्या है ये वैल्यू के नीचे ये और माइनस छः के नीचे ये, हाफ तो था तो हाफ इंटू छः करोगे तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने दो टर्म में स्प्लिट कर दिया है। अब बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो ठीक है आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट के ये क्या स्टेप इन्होंने किए हैं। और ये वाला क्या है आप देखोगे तो नीचे ये परफेक्टली वो वाले फॉर्मेट में तो नहीं होगा, तो जैसे हाफ है बराबर हाफ, देन यू हैव दिस वैल्यू, इसका है पावर माइनस हाफ, और ये है आपका टू एक्स प्लस सिक्स। तो ये देखो इसका पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। अब ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी क्या है कि यूज़ की है, तो अगेन देखो इसको तो मैं कहूँगा कि ठीक है अब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एनीवे रेयर केस है। सो देखो
फंक्शन का पावर एन इंटू उसका डेरिवेटिव, तो होता है फंक्शन का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये कैसे पता चला ये फंक्शन है? क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा 2x+6, यानी ये जो फंक्शन था उसका पावर था -1/2, यानी फंक्शन का पावर एन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये एन कोई भी हो, ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाजू में था, यस। तो फंक्शन का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, तो फंक्शन का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये वाला पूरा फर्स्ट वाला जो डेरिवेटिव था हाफ को छोड़कर, तो ये इस वे से सॉल्व होगा। और जो सेकंड वाला था, ओके, ये आप नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ये रेडीमेड फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे। सिमिलरली देखो, ये जो फंक्शन है, तो देखो एक्स स्क्वायर में 2x होता है, 2x के डेरिवेटिव में 2 होता है जबकि 1 है, तो आप जबरदस्ती 2 लिखो फिर -1 कर दो, ताकि ये जो है उसके नीचे आप ये लिख सको, और इसके नीचे जब आप ये लिखोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो पावर -1/2, यानी ये होगा फंक्शन का पावर -1/2 इंटू डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फंक्शन का पावर -1/2+1 अपॉन -1/2+1। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ऐसे सॉल्व होगा, और सेकंड वाले पार्ट में 1 के अपॉन में वो था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप सॉल्व करोगे। तो ये सेम ट्रिक पर एक्सरसाइज है। तो ये देखो, ये हर जगह पर ये सेम एक्सरसाइज इन्होंने यूज़ की है। हाँ, ये 13.16 तो हमने ऑलरेडी की थी। हाँ, अब देखो, अब ये एक्सरसाइज में ना इन्होंने लॉन्ग कट यूज़ किया है, हालांकि इसके लिए आपको एक दूसरी प्रॉपर्टी काम में आएगी, वो यहाँ पर है कि जब ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो होता है ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो देखो, ये फॉर्मूला आपको पता हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट नाउ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, बराबर। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप क्या है कि एक्स का पावर -2 का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2x, और ये है 2 के अपॉन में x³। तो अगर आप क्या है कि इसका डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे मैं एक आपको रफ वर्क करना है, सो देखिए, मान लेते हैं कि अगर आपका फंक्शन ऑफ एक्स है 2 के अपॉन में x³, बराबर, यानी ये क्या होगा? 2x का पावर -3। अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई डी एक्स, यानी f डैश ऑफ x, तो 2 तो रहेगा और ये x का पावर -3, तो कैसे लिखा जाएगा? -3x का पावर -3 -1, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन x का पावर 4। तो बात नहीं बनी, तो मैं अजम्पशन चेंज करूँगा। तो मैंने ये लिया फंक्शन, तो ये उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो अब इसको फंक्शन लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये ट्रायल हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फंक्शन किसको ले रहे हैं? 1 के अपॉन में x² को। तो अगर मैं एफ डेस ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव निकालूँ, तो देखो ये x का पावर -2 है, तो -2x का पावर -2 -1 होगा, यानी ये बन जाएगा -2 के अपॉन में x³। बात तो सही है, वही तो हमारे बाजू में टर्म था। इसका मतलब है कि ये 1 अपॉन x² है ना, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। अब ये माइनस है ना, मेरे फॉर्मेट में प्लस है, तो मैं प्लस करूँगा, फिर
फिर माइनस टू बाय एक्स क्यूब करूंगा। और याद रखो ये माइनस टू बाय एक्स क्यूब, ये जो फंक्शन मेरा था वो उसका डेरिवेटिव है, यानी कैसा फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। तो इसका सीधा आंसर मिल जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन। तो ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी, प्लस सी तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो फाइनल आंसर है ई रेस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी नीचे वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो डायरेक्टली आंसर यहाँ पर मिल गया है। इन्होंने पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा स्टेप किए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके तो दिस यू शुड कीप इन माइंड। अब देखो अब यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन था, दे हैव टेकन मोर स्टेप, लेकिन उतने स्टेप से पहले भी आपका हो सकता है, सिर्फ जजमेंट आना चाहिए। देखो ई रेस टू एक्स आपके पास यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन समथिंग, तो हम इसको स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। तो पहले तो ये जो टू है उसको बाहर निकाल दो, बराबर। सो ये हाफ हो गया, और अब आपके पास है एक्स माइनस वन के अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर करोगे तो वन बाय एक्स एंड माइनस वन के अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा। और हमें पता है वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया, ये वन अपॉन एक्स आपका फंक्शन है और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये स्टेप के बाद आप सीधा क्या लिख सकते हो, हाफ तो रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन, यानी ई रेस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस सी। देखो डायरेक्टली ये स्टेप इसके बाद आ जाएगा, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो हाफ तो ऑलरेडी था, ई रेस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स प्लस सी। सो ये आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। ओके तो आपको बस वही एक चीज़ में दिमाग में बैठना चाहिए कि ये पैटर्न क्या है। देखो यहाँ ई रेस टू एक्स आपने देखा, तो हमें पता है कि भाई चलो ई रेस टू एक्स से चांसेस है कि हम ये फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाए तो बात बन जाएगी। तो ये वन माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। अब ऊपर देखिए आपके पास ऑलरेडी था टू माइनस एक्स, तो नीचे वन माइनस एक्स है, तो ये टू माइनस एक्स में जो टू है ना उसको वन वन करके स्प्लिट कर दो। ओके ताकि ये वन माइनस एक्स के अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख सको और ये वन के अपॉन में भी आप लिख सको। तो ये जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, वन के अपॉन में फंक्शन। अब देखो वन के अपॉन में फंक्शन, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वन अपॉन, ये ऑलरेडी हमने क्या है सीखा है कि एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी हो, बराबर। तो भी और वैसे डेरिवेटिव है, तो वन के अपॉन में फंक्शन, तो वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इसी वे से चलेगा। ओके तो वन के अपॉन में फंक्शन, तो माइनस वन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। चलो एक भूल गया होंगे, करके बताता हूँ। आपके पास है वन के अपॉन में वन माइनस एक्स और जिसका आप निकालना चाहते हो डेरिवेटिव, बराबर। तो वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन फंक्शन, तो माइनस वन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या था, वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, वन माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब आप ये डेरिवेटिव करोगे तो वन का जीरो एक्स का वन, तो ये माइनस वन होगा, तो माइनस वन और ये माइनस वन, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वन। तो ये जो लिखा है ना प्लस वन के अपॉन में वन माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, ये इसी का डेरिवेटिव है, यानी ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। और हमारे पास ई रेस टू एक्स था, तो ई रेस टू एक्स तो आगे भी हो सकता है, तो ये फॉर्मेट क्या बन गया, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ये जो भी उन्होंने स्टेप किए हैं ना, ये कोई भी स्टेप की ज़रूरत नहीं है,
बराबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी, यानी ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन क्या था, वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी। तो देखो ई रेस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी आ गया आंसर। अब ये भी देखो डायरेक्टली देखने से ही सॉल्व हो जाए ऐसा है। अच्छा ये है log x और ये है 1 अपॉन x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x ये आपका फंक्शन है वो होता है 1 अपॉन x, तो ये है आपका f डैश ऑफ x, तो e रेस टू x इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव तो होता है e रेस टू x इंटू फंक्शन प्लस c, तो e रेस टू x इंटू log x प्लस c, सीधा ये स्टेप। सो आई होप जो क्वेश्चन क्या है जो हमने पेंडिंग रखे थे तो ये फॉर्मूला और कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, रेयरली आते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। और हाँ देखो अभी आज स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिकल हो गए कि सर इतने बड़े फॉर्मूला, ये देखो मैंने तो याद रखे थे बराबर, फिर क्या है एक महीने के बाद भूल जाओ, कौन पूछने वाला है, रिजल्ट में आ गए 90 प्लस बस और क्या चाहिए। लेकिन आप सोचोगे, सोचते ही रहोगे जब तक, क्या है आप ये सोचोगे कि कितना याद रखना है, कितना याद रखना है, फिर तो आपका आप समझो कि ख़त्म ही हो गया, फिर आप एडुकेशन के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे बराबर। काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी है, आप अगर सीए में कुछ ट्राई कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होगी बराबर, इसके अलावा पूरा का पूरा इनकम टैक्स है, केस लॉस है, तो रोना बंद करो, माइंड की कैपेसिटी को यूज़ करो। अच्छा तो ये है रूट ऑफ दिस, तो इसमें भी देखो ये लास्ट वाले जो दो फॉर्मूला है ना उसके फॉर्मेट में लाकर ये सॉल्व करना है, ये है छोटा लेकिन एक्सपेंशन के बाद थोड़ा बड़ा होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या है अप्लाई की है। ओके तो जैसे ये रूट के अंदर समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये इसकी तरह है, तो ये x बाई टू ऑफ दैट वैल्यू प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस दैट वैल्यू, देखिए बड़ा है तो है, अब इसमें क्या कर सकते हैं बराबर। सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके अब ये फॉर्मूला ही आपका क्या है लेंदी है, तो एक्सपेंशन भी लेंदी होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं है लेकिन हाँ ये याद रखने में थोड़ी आपको एफर्ट लगानी है। चलो तो एनीवे आई फील दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन द पेंडिंग कंसेप्ट्स। ओके अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ये टाइप की एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी की थी। अच्छा नाउ हाँ अच्छा यहाँ पर क्या है आप समझना कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल हो ना, जैसे ए से लेकर बी इंटीग्रल है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि आप एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हो, वैल्यू डजंट चेंज, एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स ये लिखा जा सकता है एंड वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा फिर एक ये है कि माइनस ए से ए कोई हो इंटीग्रल, तो या तो ज़ीरो होगा या तो डबल ऑफ ज़ीरो टू ए ये होगा, ये डिपेंड करता है वो इवन है कि ऑड है। तो चलो मैं बताता हूँ कि क्या मतलब है। देखिए मान लेते हैं कि भाई आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है। ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, या मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन है आपका वो है एक्स क्यूब। अब देखो अगर आप पुट करोगे एक्स की जगह पर माइनस एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर। अब माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है बराबर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो क्या था आपका, फंक्शन ऑफ एक्स ही था, यानी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये है ना आपका
इवन फंक्शन हो गया, यानी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे? जहां पर आप पुट करोगे x इक्वल टू माइनस एक्स, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। अब ये नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब क्या था? फंक्शन ऑफ एक्स था, यानी फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इज आगे माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन। ओके, तो माइनस ए से ए अगर कोई फंक्शन हो तो उसका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो ये देखो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो ऑड फंक्शन है, बराबर। तो ऑड फंक्शन के केस में क्या वैल्यू निकल कर आएगी? ऑड फंक्शन के केस में यू विल गेट व्हाट? जीरो। और इवन वाले केस में क्या होगा? डबल ऑफ जीरो टू ए ऑफ फंक्शन। ओके, चलो तो कुछ एडिशनल कंसेप्ट नेक्स्ट सेशन में करेंगे।